स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहा हूँ। द वैल्यू इज 2 raised to power x प्लस 64 इंटू 2 raised to power -x -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 64 डिवाइडेड बाय 2 raised to power x कर दूंगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ 2 raised to power x इज इक्वल टू y। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा y प्लस 64 बाई वाई -20 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर का y ख़त्म करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय y करूँगा, y इंटू y स्क्वायर, y और y कैंसिल हो जाएगा, 64 -20 y इज इक्वल टू 0। ज़रा मैं इसको तरतीब में लिख रहा हूँ, y स्क्वायर -20 y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वेरी सिंपल है, आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। 64 आपको चाहिए तो 16 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आता है, तो y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन आ गया तो y -16, यहाँ पर -4 कॉमन आ गया, y 64 को 4 पे डिवाइड करें तो 16 आएगा, बाहर के माइनस की वजह से अंदर का प्लस चेंज हो जाएगा। सो y -16 एक साइड पे आ जाएगा और y -4 एक साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट्स बनाएंगे, y -16 इज इक्वल टू 0 एंड y -4 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमने लेट की थी 2 raised to power x, तो यहाँ पे मैं 2 raised to power x -16 इज इक्वल टू 0 करूँगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 raised to power x इज इक्वल टू 16, 2, 4, 8 and 16, 2 raised to power x इज इक्वल टू 2 raised to power 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। यहाँ पर भी y की वैल्यू लिखूँगा 2 raised to power x इज -4 इज इक्वल टू 0, 2 raised to power x इज इक्वल टू 4 एंड 2 raised to power x इज इक्वल टू 2 raised to power 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, थैंक यू।